पिता के लिए मुसीबत बनेंगी संगमित्रा, बीजेपी के लिए पिता के खिलाफ खड़ी हुई संगमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बीजेपी है संगमित्रा के लिए सर्वे सर्वा। जी हाँ, ये बातें यूं ही नहीं हो रही है, इनके पीछे सच्चाई है, ऐसी सच्चाई जिससे कई सवाल खड़े होते हैं, और इस स्थिति को किसी और ने नहीं खुद संगमित्रा मौर्य ने सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि क्या पिता स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा संगमित्रा के लिए बीजेपी जरूरी है। क्योंकि लग तो यही रहा है, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को घेरने का, उस पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते और बीजेपी के लिए लगातार एक सिरदर्द बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य बीजेपी की मीटिंग्स में शामिल हो रही हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल रही हैं, और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पड़ रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन भाजपा के खिलाफ बयान देते रहते हैं, उनके बयान सुर्खियां भी बनते हैं और कई बार तो कुछ विवादों को भी जन्म देते हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने बदायूं से बीजेपी सांसद और उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। कुछ मौकों पर संगमित्रा को अपने पिता के बयानों का समर्थन करते हुए भी देखा गया। इन सब के बीच सोमवार को संगमित्रा मौर्य ने ऐसी तस्वीर शेयर की जिसके काफी मायने निकलते हैं। बदायूं से सांसद संगमित्रा मौर्य ने सोमवार को भाजपा की एक बैठक की कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ संगमित्रा मौर्य ने लिखा कि सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 25 साल पूर्ण होने पर पश्चिम ब्रज कानपुर और बुंदेलखंड की बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और नितिन गडकरी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बता दें कि सोमवार यानी कि 31 जुलाई को दिल्ली में एनडीए के 25 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में एनडीए के 45 सांसद शामिल हुए थे और इसमें संगमित्रा का भी नाम है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल हो जाने के बाद इस बात की चर्चा तेज थी कि भाजपा संगमित्रा मौर्य से किनारा कर सकती है और अगले लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट सकता है। हालांकि अभी संगमित्रा मौर्य भाजपा से ही सांसद हैं और उन्हें पार्टी के हर गतिविधि में शामिल होते देखा गया है, और संगमित्रा के इस ट्वीट में जिसमें वो बढ़ चढ़कर बीजेपी की मीटिंग्स में हिस्सा ले रही हैं, सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वो बीजेपी के लिए फायदेमंद और अपने ही पिता के लिए आने वाले समय में मुसीबत बन जाएंगी। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।